7 फरवरी 2021 ये तारीख आज भी उत्तराखंड के चमोली जिले के रैणी गांव की भयानक त्रासदी की याद दिलाती है। रैणी गांव में आज भी आपदा के दंश साफ झलकते हैं। इस आपदा में 204 लोगों की मौत और करोड़ों की विद्युत परियोजना की तबाही देखी गई थी। लेकिन अब आपदा के करीब 2.5 साल बाद देहरादून स्थित वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के वैज्ञानिकों ने आपदा के कारणों की बड़ी वजह बताई है। वाडिया इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर डॉक्टर कालाचंद साईं ने बताया कि रिसर्च में पता चला है कि जिस ग्लेशियर के टूटने से धौलीगंगा में जल प्रलय आया था, उस ग्लेशियर पर 3 घंटे तक हलचल हो रही थी। 2021 में विंटर में जब 27 मिलियन क्यूबिक मीटर वॉल्यूम आइस एंड रॉक मास 5600 मीटर अबव सी लेवल से 3600 मीटर सी लेवल में गिरा था, अबव सी लेवल गिरा था, तब हम लोगों को वहां पर नियर बाई एक सेस्मोलॉजिकल स्टेशन था तपोवन में, जो हम सेस्मिसिटी स्टडी के लिए यूज करते हैं। तो ये इवेंट होने के बाद हम लोग जो वो डेटा लेकर के इधर आए हमारा हेडक्वार्टर में, तो उसमें हम लोगों को ये पता चला जो इवेंट जो लैंडस्लाइड जो हम लोग एवलेंच देख रहे थे वो सडनली नीचे नहीं गिरा, वो गिरने के पहले कुछ घंटा तक उसका सिग्नल हमारा सेस्मोमीटर में रिकॉर्ड हुआ है। आपदा में वाडिया की तरफ से तपोवन में लगाया गया सेस्मोलॉजिकल स्टेशन भी मलबे की चपेट में आ गया था। लेकिन जब स्टेशन में लगे सेस्मोमीटर इक्विपमेंट में रिकॉर्ड डेटा का एनालिसिस किया गया तो पता चला कि अगर सेस्मोमीटर अर्ली वार्निंग सिस्टम से जुड़ा होता तो इसकी जानकारी पहले ही मिल जाती। ऐसे में अब वैज्ञानिक ऋषि गंगा धौलीगंगा में हाइड्रोलॉजिकल स्टेशन, मेट्रोलॉजिकल स्टेशन के साथ ही सिस्मोलॉजिकल स्टेशन को जोड़ रहे हैं, ताकि वहां अर्ली वार्निंग सिस्टम को डेवलप किया जा सके और भविष्य में रैणी जैसी आपदा की जानकारी पहले ही मिल सके। वो सिग्नल को लेकर के अभी हम लोग धौलीगंगा ऋषि गंगा में हाइड्रोलॉजिकल स्टेशन के साथ, मेट्रोलॉजिकल स्टेशन के साथ सिस्मोलॉजिकल स्टेशन भी जोड़ रहे, तो तीनों डेटा को एक साथ में इंटीग्रेट करके अभी हम लोग कोशिश कर रहे हैं वहां पर अर्ली वार्निंग डेवलप करने के लिए। एंड इसमें 3 घंटा तक हम लोग देखेंगे, तो 3 घंटा तक उसमें जो हलचल हो रहा था वो इट वाज गिविंग सम सॉर्ट ऑफ सिग्नल, वो सिग्नल को हम प्रिकर्सर्स बोल रहे हैं। तो प्रिकर्सर स्टडी सेस्मोलॉजिकल डेटा से, हाइड्रोलॉजिकल डेटा से और मेट्रोलॉजिकल स्टार से, तीनों लेकर के हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग के थ्रू जब कंटिन्यूसली डेटा को मॉनिटर करते रहेंगे तब उसमें वो इवेंट आने के पहले थोड़ा पता चले। बहरहाल रैणी आपदा के दंश आज भी लोगों के जहन में जिंदा है। आज भी इस जल प्रलय को याद कर लोग सिहर उठते हैं। आलम यह है कि आज तपोवन और रैणी क्षेत्र के ग्रामीण नदी किनारे जाने से भी बेहद घबराते हैं। ऐसे में वाडिया के वैज्ञानिकों का यह अर्ली वार्निंग सिस्टम उत्तराखंड में इन आपदाओं को रोकने में मील का पत्थर साबित हो सकता है। ईटीवी भारत के लिए देहरादून से रोहित सोनी।